मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज। आज का विषय कि रेड आई क्या होती है, तो सबसे पहले हम उसके कारण में जाएंगे, व्हाट आर द काजेज ऑफ रेड आई। अब रेड आई को बेहतर होगा कि हम दो भागों में क्लासिफाई कर लें। क्यों? वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रेड आई ज़रूरी नहीं कि आँख में कोई ऐसी बहुत सीरियस बीमारी है उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात ये होती कि कभी कभी रेड आई है तो इसका मतलब उसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली जो कॉमन काजेज हैं, नॉर्मल जो रेड आई हम कह सकते हैं कि जो अपने आप भी कुछ दिन में या थोड़ा मेडिकेशन लेने के बाद ठीक हो जाती हैं, तो उनमें जैसे कि एलर्जिक काजेज हैं। आजकल गर्मी का मौसम है, पॉलन ग्रेन डस्ट इन सब की वजह से, धूल इन सब की वजह से आंखें लाल हो सकती हैं, तो ये माइल्ड से मॉडरेट या कभी कभी सीवियर फॉर्म में भी जा सकता है। दूसरा, कोई भी इन्फ्लेमेशन आई में होगा तो उसकी वजह से आंख लाल होगी। जैसे कि अगर हम लिड की बात करें तो लिड मार्जिन का इन्फ्लेमेशन, जिसे हम ब्लेफ्राइटिस कहते हैं, ब्लेफ्राइटिस के केस में भी आँख का लाल होना स्वाभाविक है। तीसरी जो सबसे कॉमन काज है वो है कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन, वो भी एलर्जिक हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। इसी तरह से कार्निया का इन्फ्लेमेशन होगा, जिसको हम केराटाइटिस कहते हैं, तो उसमें भी आँखों का लाल होना स्वाभाविक है। अधिक अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी आँखें लाल होती हैं, एक्सेसिव या लगातार अल्कोहल लेने से, स्मोकिंग। और महत्वपूर्ण कारण है जैसे कि इंजरी, आँख में कोई चोट लग गई, वो किसी भी प्रकार की इंजरी हो, पेनेट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, ब्लंट इंजरी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आँखें लाल हो सकती हैं। इसके अलावा कोई केमिकल बर्न्स है, आँख में कोई चीज़ पड़ गई केमिकल्स, उसकी वजह से। दूसरी चीज़, कुछ कॉस्मेटिक केमिकल्स जैसे कि फेसियल वगैरह में लोग इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, उनकी वजह से भी आँखों में जो इरिटेशन होता है उसकी वजह से भी लाल आँखें होना स्वाभाविक सी बात है। जो लोग कांटेक्ट लेंसेज यूज करते हैं, कांटेक्ट लेंस का प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक न होना, प्रॉपर तरीके से उसको वॉश न करना और लगातार इस्तेमाल करते रहने के कारण भी आँख लाल हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम और उसमें जाएं, जैसे ग्लूकोमा, खासतौर से एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा होता है, तो इसमें भी आंखें लाल होती हैं। और बाकी जितनी भी, अगर मैंने जैसे कहा कि आंख का कोई भी पार्ट अगर उसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो निश्चित तौर पर रेडनेस होगी, चाहे फिर वो स्क्लेरा हो स्क्लेराइटिस के रूप में, ईपी स्क्लेरा हो ईपी स्क्लेराइटिस के रूप में। तो ये सब कारण है रेड आई के। अब सवाल ये है कि इनमें से दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है, ड्राई आई की वजह से भी रेडनेस होती है, ड्राई आई सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। अब हर रेड आई का ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो स्वाभाविक तौर पे हमें कुछ ऐसे इस्तेमाल में लाने चाहिए चीज़ें कि जिससे हम अपने आप ठीक हो सकते हैं। जैसा कि जो कॉमन चीज़ें हैं, बार बार हम अपने हाथों को आँख में न ले जाएं, यानी आँख को मले ना, और क्योंकि हाथ हमेशा हमारे गंदे होते हैं, तो पता चला कि ज़रा सा हमको खुजलाहट हुई तो हमने आँख को मलना शुरू कर दिया, उसकी वजह से भी रेड आई होती है। बाहर से आएँ, हाथ धोएं, इसके अलावा पानी के छींटे मार लेने से आँख में, ये बड़ी कॉमन चीज़ें बता रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स है, जो डस्ट पार्टिकल है, वो बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ गर्मी का मौसम है, ज़्यादा धूप में निकल रहे हैं, तो डार्क गॉगल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि जो कॉमन काजेज हैं, छोटे मोटे काजेज हैं, तो उनको सेल्फ मेडिकेशन से भी ठीक किया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप कोई एक एंटीबायोटिक ड्राप या लुब्रिकेटिंग ड्राप ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लें। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो रेड आई है
ये आगे चलकर के कोई दिक्कत तो नहीं करेगी, उसके साथ कुछ रेड आई के साथ साथ एसोसिएटेड साइन और सिम्टम्स होते हैं, वो हर व्यक्ति को थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो उससे बचा जा सकता है और गंभीरता को उसके समझा जा सकता है। जैसे जो खतरनाक कारण है रेड आई के, जो आगे चल करके विजन को थ्रेटन कर सकते हैं, रोशनी में प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, तो जब उसमें आँख लाल होगी तो निश्चित तौर पे उसमें पेन, वाटरिंग, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। इसी तरीके से कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शियस काज है, जैसे कि कार्नियल अल्सर में, तो कार्नियल अल्सर में भी पेन होगा। एपिस्क्लेराइटिस में पेन नहीं होता है तो उसको भी, लेकिन फिर भी चूंकि भविष्य में चल करके ये विजन को थ्रेटन करेगी, तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो एक बार आई सर्जन से आकर के अपना जांच कराएं और उसी हिसाब से आप उसको ट्रीट करें। मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर होगा, और बाकी जो चीज़ें जो काज हैं उनको रिमूव करें और कोशिश करें जहाँ तक हो सके कि बचें, बार बार आँख में हाथ न ले जाएं और रब न करें, और ये प्रिकॉशंस आपको काफ़ी हद तक रेड आई से बचा सकते हैं।